बचपन से आपने अहदीस के रेफरेंसेस से सुन रखा होगा कि खाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। अब क्योंकि इसके मुतालिक बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च भी मौजूद है, लेट्स सेपरेट फैक्ट फ्रॉम फिक्शन एंड अनकवर द ट्रूथ अबाउट हाउ वाटर इंटरैक्ट्स विद आवर डाइजेशन। वी हैव गैदर्ड इनसाइट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ रेप्यूटेबल सोर्सेज टू प्रोवाइड यू विद अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एविडेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग। अक्सर हमने सुना है कि खाने के साथ पानी पीना आपके मैदे के अंदर मौजूद डाइजेस्टिव जूसेस को डाइल्यूट या पतला कर देता है और गिजा के हाजमे में रुकावट पैदा करता है। लेकिन माहिरीन जैसा कि सर्टिफाइड डाइटिशियन तमारा डुकर फ्रोमैन और अमेरिकन गैस्ट्रो एसोसिएशन के रुकन देबोरा डी प्रॉक्टर इन दावों को रद्द कर चुके हैं। हाजमा एक मुश्किल अमल है जो कि मुंह में शुरू होता है और पेट और आंतों में मुख्तलिफ मरहले शामिल होते हैं। पानी पीना इस अमल पर मनफी असर नहीं डालता क्योंकि एंजाइम्स गिजा के साथ अटैच हो जाते हैं चाहे पानी मौजूद हो या ना हो। इसके अलावा रिसर्च ने साबित किया कि खाने का स्टमक के थ्रू मूवमेंट का प्रोसेस इस पर डिपेंड नहीं करता कि खाने के साथ आपने पानी पिया है या नहीं। कुछ स्टडीज मौजूद हैं जो कि सजेस्ट करती हैं खाने के साथ पानी पीना खाने को नरम करने, लार्जर पोर्शंस को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ने और खाने को डाइजेस्टिव ट्रैक से गुजरने में मदद कर सकता है, जिससे डाइजेशन के प्रोसेस में आसानी मिलती है। आयुर्वेदा जो कि एंशियंट इंडियन मेडिसिन का सिस्टम है, जो कि नेचुरल लाइफस्टाइल और सेहत बख्श प्रैक्टिसेस पे जोर देता है। ये सिस्टम सोल, माइंड और बॉडी तीनों को अहमियत देता है। आयुर्वेदा के एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स की डिफरेंट बॉडी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर किसी ने अपना वज़न बढ़ाना हो तो उसको खाने के बाद पानी पीना चाहिए, जबकि अगर किसी को अपना वज़न कम करना हो तो वो खाने से पहले पानी पिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके ब्रेन को लगेगा कि स्टमक में मजीद स्पेस नहीं है और आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं और इस तरह से कैलोरी इनटेक उसको भी आप आसानी से रेगुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे कि खाने के फौरन बाद पानी पीने से आपकी बॉडी की केमिस्ट्री में क्या चेंजेस आती हैं और इसका क्या इम्पेक्ट होता है। जब आप खाने के फौरन बाद पानी पीते हैं तो आपका मैदा, जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नॉर्मल फंक्शन में खलल आती है, स्टोमिक एसिड डाइल्यूट हो जाता है जिससे डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। क्योंकि आपकी बॉडी को मज़ीद स्टोमिक एसिड रिलीज करना पड़ेगा इसलिए ओवरऑल डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसके नतीजे में आपको ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। इसलिए सबसे बेहतरीन यही है कि आप खाने से पहले या खाने के दौरान पानी के सिप लें और ज़्यादा पानी पीने से गुरेज करें ताकि आपकी कैलोरी इनटेक भी नॉर्मल रहे और डाइजेशन में भी कोई रुकावट ना आए। आप लोग एक बार दुरूद पढ़ लें उस अजीम हस्ती पे जिसने ये बातें आज से 1400 साल पहले इंसानियत को बता दी थी, जिनको साइंस भी आज मानने पे मजबूर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।